तो फाइनली गाइस यार मैंने अपने पुलिस स्टेशन को कर दिया है मॉडिफाइड, क्योंकि हमारे को जो पुलिस स्टेशन देखने को मिलता है ना वो बस एक रोता पीटता सा पुलिस स्टेशन, उसके अंदर कुछ भी नहीं है यार। तो जो जो चीज़ ज़रूरत की थी वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और तुमको ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम यार देखो बस क्या बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो को एंजॉय करो यार। मैंने इतना बढ़िया पुलिस स्टेशन बनाया ना जो कि आज तक किसी ने बनाया नहीं होगा। तो चलो एक चुटकी बजाते ही अपना गेम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक नीचे वाले एरिया में हमारे को मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ की ज़रूरत कम है। नीचे वाले एरिया में तो ठीक ठाक चीज़ें हैं, मगर ऊपर वाले एरिया में है। तो हम सीधे बढ़ते हैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ और हमारे को काम शुरू करना है ऊपर वाले फ्लोर के अंदर। तो ऊपर आ गए, अब इधर हमें मॉडिफाई करने के लिए क्या मिलता है यार, पूरा एरिया खाली है, हम इसके अंदर ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर W3 से आने वाली वॉल लगा देते हैं सब जगह पर, क्योंकि यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं और चोर शीशे को तोड़ के हाल भाग सकता है यार, और हमें किसी भी चोर को भगाना नहीं है। इसलिए मैं सारी वॉल के ऊपर मतलब जहाँ जहाँ शीशे लगे हैं सब जगह पर ये W3 लगाने वाला हूँ, जिसको हम नेट भी बोल सकते हैं। तो हम इस नेट लगाने वाले हैं सारे वॉल की तरफ, मगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि ना हम इसके अंदर भी ऊपर वाले एरिया में एक जेल बना दें, क्योंकि नीचे तो एक जेल है ही है और ऊपर भी एक जेल हो जाएगा तो यार कितना अच्छा काम हो जाएगा ना, क्योंकि अपनी सिटी कितनी बड़ी है और कितने सारे NPC हैं, इनको सब मारना थोड़ी ना पड़ता हर किसी को, हम सबको जेल के अंदर भी लेके आएंगे। ओके, तो अब हमारे पास एक और आइडिया है, एक और प्लान है, हम बनाएंगे इधर एक जेल। तब तक तुम इस गेम प्ले को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ तुमको आगे, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसलिए। Check the mic and make sure it sound right, boys. ओके भाई यार, तो काफ़ी लंबी मेहनत के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, तो अब तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, दिमाग ख़राब इतना कर दिया तुमने। तो मैंने इसकी सारी तरफ नेट लगा दी है, जैसे तुमसे मैंने वादा किया था बिल्कुल वैसे ही अपना पुलिस स्टेशन का ऊपर वाला एरिया बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया है, तीनों तरफ इसके नेट लगा दिए, तुम देख सकते हो यार मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हाँ किसी को इसका वो चाहिए ड्राइव लिंक जो भी होता है तुमको अपने गेम में करना है, मैं उसका ड्राइव लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से ले लेना, तुमको भी अपने गेम में करना। अब हम चलते हैं अपने नीचे वाले एरिया में, नीचे आ गए, नीचे मैं सोच रहा हूँ यार नीचे भी ऐसे ही वाला एरिया कर दें, क्योंकि अपना पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से सिक्योर कर दें, क्योंकि पुलिस स्टेशन सिक्योर होगा तभी तो हमारा ये पूरा देश सिक्योर होगा, मतलब अपने गेम का देश यार, तुम भी कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना। तो चलो मैं तुमको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि यार तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को। तो उधर की तरफ के दो नेट लग चुकी हैं, बस यार एक ये नेट लगने में थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, मगर कोई बात नहीं, मैं इसको लगा लूँगा प्रॉपर तरीके से बिना कोई दिक्कत परेशानी के, मुझे लग रहा है लग गई, हाँ लग गई, वो थोड़ी एक्सटेंड हो रही है बार, कोई बात नहीं मगर लग गई। ओके, अब हमको बढ़ना है अगले पार्ट की तरफ, अगले पार्ट भी मैंने लगा दिया है, इसको यार अंदर से लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अंदर लगा दिया है और अब हमारा नेक्स्ट टास्क शुरू होता है, मतलब अब हमारे को अपने पुलिस स्टेशन के लिए बनाना है बिजली का घर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी अपने पुलिस स्टेशन में, इसके लिए हमको लगाने पड़ेंगे ये 2-3 इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स जो कि प्रॉप 9 से आते हैं, तो इनको हम लगाएंगे यहाँ पर नहीं यार, मुझे लगता है मैं समझ गया कहाँ पर लगाने हैं। देखो मुझे लगता है इसके नेट के पीछे लगाने का बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एरिया है तो किसी को करंट ना लगे, इसलिए हम इसको लगाएंगे बिल्कुल एक सिक्योर एंड सेफ जगह पे। ओके, तो हमारे को लगाना है यहाँ पर नहीं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ लेफ्ट में ही लगा दूँ, और किसका के किसका के, हाँ यही एक बहुत बेटर पोजीशन है, यहीं पर लगा देते हैं, यहीं पर दोनों तीनों को लगा देते हैं, क्योंकि यार इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है डबल फ्लोर का है ना, तो 2-3 इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स बहुत हैं। अब हम अपने एंट्रेंस पर लगा देते हैं कुछ लाइटें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये वाली लाइटें अगर चालू हो गई तो अपना एक पुलिस स्टेशन भाई बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यार ये अब मैं एक नहीं लगाने वाला हूँ, चार चार दोनों साइड लगाऊंगा, तुम देखो बस कितनी अच्छी लगेगी ये वाली लाइटिंग। Now white boy.
तो दोनों तरफ हमने लाइट लगा दी है, मगर यार ये लाइटें चालू नहीं है। बस दिक्कत एक यही है, अगर ये लाइट और चालू होती तो अपना गेम का एकदम अलग लेवल आ जाता। और अब हम बढ़ते हैं अपने ये काम की तरफ जो कि है अपना पेड़ लगाने का। पेड़ लगाने तो हमको यार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर पुलिस स्टेशन में थोड़े बहुत पेड़ तो होने ही चाहिए। और इधर मैंने ये यार ये स्टेबल नहीं हो पाता मेरे से, क्यों नहीं पता नहीं। और बाहर मैंने ये साइन बोर्ड लगा दिया है और साथ ही साथ बाहर भी मैंने कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगा दिए हैं। और हाँ एक चीज़ और, मैंने इधर ना थोड़ा ये रोड को ब्लॉक करने वाला लगा दिया है ताकि पुलिस स्टेशन के सामने से कोई भी गाड़ी सुपर स्पीड में ना जा पाए, मतलब फास्ट स्पीड में कोई गाड़ी ना जा पाए, इसीलिए मैंने ये लगा दिया है। तो अब हम आ गए अपने मेन काम की तरफ, क्योंकि जो हमारा मेन काम है हमारे को अपने पुलिस डॉगों को थोड़ा केयर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अपने पुलिस डॉगों के लिए एक छोटी सी जगह जहाँ पे हमारे पुलिस डॉग बाहर से देख के, मतलब पुलिस डॉग बाहर ही रहे और अंदर किसी को परेशान ना करें, ये यहाँ रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बना दिया है। और अब हम बनाते हैं अपने दूसरी साइड की तरफ जहाँ पर हमारे हॉर्स रहेंगे। हॉर्स के लिए भी मैंने बना दिया ये वाला एरिया, यहाँ पर रहेगा एक लेफ्ट साइड में रहेंगे हॉर्स, नहीं लेफ्ट साइड हॉर्स नहीं है, राइट साइड हॉर्स रख देते हैं, लेफ्ट साइड डायनो रख देते हैं, क्योंकि डायनो थोड़े ज़्यादा डेंजरस है, उनको देख के लोग डरेंगे, इसलिए बाहर ही रहने देते हैं। और अब अपना काम है पुलिस स्टेशन के अंदर कार रखना, पुलिस की कार है यार, पुलिस स्टेशन में नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी। जल्दी जल्दी पुलिस कार की स्पॉन कर लेते हैं और अब जल्दी से यहाँ पर लगा देते हैं गाड़ियाँ। तो यार काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगा दी है मैंने, फुल स्पीड में मैंने काम करा है, मास्टर कार वगैरह मैंने सब लगा दिया है। और यहाँ पर दो तीन कारों की कमी थी, वो सब लगा दिए मैंने। और अब तुम इसका व्यू देख सकते हो, एक और कार मैंने यहाँ पर मैंने एक फायर इंजन भी मंगा के खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये अपने गेम में है तो मुझे लगता है मेरे को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पुलिस स्टेशन में होने वाली चीज़ है, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसको सीधे जाके पीछे पार्क कर देता हूँ और ये हमारे गेम में बहुत अच्छा लगेगा। और पार्किंग के अंदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके अब यार ये डायनो किन्ने भेज दिया यहाँ पे, ठीक है अब हमारा काम है कि इस जगह पर भरना, मतलब हम यहाँ पर अब डॉग को मंगाने वाले हैं तो काफ़ी सारे डॉग आने वाले हैं। डॉगों का चीट कोड देख लो भाई, 600 से अपने जर्मन शेफर्ड डॉग आते हैं। और तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हारे पास कौन सा डॉग है, और नहीं है तो कोई बात नहीं यार, वैसे मेरे पास एक डॉग है तो हम यहाँ पर सारे डॉग भर देते हैं, काफ़ी सारे डॉग आ जाएंगे यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर तो डॉग भर गए, अब हमारा काम है अपनी दूसरी जगह पर जाना और इस जगह पर हमें भरने हैं घोड़े। और 200 से आते हैं डॉग और यहाँ पे हमने भर दिए ये अपने डायनासोर्स। और अपना यहाँ पर एक जगह खाली लग रही है, यहाँ पर हम भर देते हैं अपना एक चॉपर, यहाँ पर अपना एक हेलीकॉप्टर खड़ा कर देते हैं तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। एक पुलिस वाले के पास हेलीकॉप्टर तो होता ही है यार, कहीं पर उनको जल्दी जाना हो तो ये हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ओके गाइस तो अपना कुछ ऐसा लग रहा है ये पुलिस स्टेशन, रुको मैं अभी कपड़े चेंज करके तुम्हारे को इसकी पूरी की पूरी दिखाता हूँ। और देखो मैंने जो यहाँ पे स्टॉपर लगाए थे यहाँ पे कारें रुकना भी शुरू हो गई हैं। और जेट पैक से रुको मैं तुम्हारे को इसका पूरा ऊपर का व्यू दिखाता हूँ कि अपना ये पुलिस स्टेशन कुछ किस तरीके से नज़र आ रहा है। और यार ये मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि यार काम तो हमने बहुत ज़्यादा किया है, मगर अपने ना यार जो नेट वाला काम है ना वो ज़्यादा थोड़ा अंदर कर दिया, इससे हमारा पुलिस स्टेशन थोड़ा सिक्योर तो हो गया। ओके देखो भाई पुलिस स्टेशन तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये डॉग हॉर्स डाइनो और ये कार्स और ये फायर इंजन। और हाँ अपने अपडेट के बाद ये इसका पुलिस स्टेशन का कलर डार्क भी हो गया है। ओके गाइस यार अच्छा तो लग रहा है मेरे को ये अपना पुलिस स्टेशन, और तुम्हें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना यार। और अब मैं तुमको चल के दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से कि हमारे गेम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं।